मायापुर पुलिस ने पकड़ी 60 लीटर हाथबत्ती शराब, आरोपी गिरफ्तार। एसपी राजेश सिंह चंदेल के द्वारा चलाए जा रहे अवैध शराब माफिया के विरुद्ध अभियान के तहत एएसपी प्रवीण सिंह भूरिया के मार्गदर्शन और एसडीओपी दीपक सिंह तोमर के मार्गदर्शन के नेतृत्व में 12 जनवरी को मुखबिर से सूचना मिलने पर प्रभारी हरी शंकर शर्मा ने अपनी टीम को कार्रवाई के लिए भेजा। ग्राम शेरगढ़ मजरा भागलपुर दबिश देकर आरोपित जगदीश पुत्र विश्वकर्मा के मकान के पास बनी टपरिया में हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब दो केनों में 60 लीटर मिली, जिसे जब्त कर आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी मायापुर हरिशंकर शर्मा, उनकी टीम सहायक उप निरीक्षक अजय पटेल, डीडी शर्मा, विक्रांत शर्मा, सहदेव तोमर की सराहनीय भूमिका रही। हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला शिवपुरी के द्वारा शराब माफियों के खिलाफ सख्ती से चलाए जा रहे अभियान के तहत आज थाना मायापुर के ग्राम शेरगढ़ में जगदीश विश्वकर्मा के यहाँ हाथभट्टी की कच्ची शराब होने का मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर से थाने के बल के साथ जगदीश को जाके तलाश किया तो वह अपने घर के टपरिया के बाहर हाथभट्टी की कच्ची शराब दो प्लास्टिक की कैनों में 30-30 लीटर कुल 60 लीटर हाथभट्टी कच्ची शराब रखे मिला, जिससे आरोपी से जब्त कर विधिवत कार्रवाई की गई है। वैधानिक कार्रवाई कर आरोपी को न्यायालय पेश किया जा रहा है।